नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया बाई पवन सैनी में। आज का टॉपिक है अंगूर की खेती। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पीछे अंगूर की बेलें हैं और इन पर हम वीडियो बनाते आए हैं, आपको जानकारी देते हैं। आज हमारी वीडियो संपूर्ण वीडियो होने वाली है। अभी तक जिन भाई लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम अंगूर पर बात करेंगे। अंगूर काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर एक ऐसा फल है जो कि दुनिया भर में उगाया जाता है। ठंडे प्रदेशों से लेकर उष्ण और सूखी जलवायु में काफ़ी अच्छा उगता है। अंगूर जो है खाने में काफ़ी अच्छा और टेस्टी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। कुछ वेराइटियाँ कैंसररोधी भी होती हैं जो दुनिया भर में प्रचलित हैं। अंगूर का उत्पादन किशमिश, बेदाना, ताज़ा खाने टेबल पर्पज़ के लिए और वाइन मेकिंग जूस पर्पज़ के लिए, जैम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अंगूर की उत्पत्ति रूस के काले सागर से मानी गई है। और अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो अंगूर काफ़ी प्राचीन समय से भारत में उगाता आया जा रहा है। जैसा कि भारत की सांस्कृतिक विरासतों में देखा गया है, महलों में अंगूर की नक्काशी देखी गई है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में अंगूर काफ़ी समय से उगाया जाता रहा है। परंतु फिर भी व्यावसायिक स्तर पर अंगूर की खेती 13वीं शताब्दी में चालू हुई। तो अंगूर जो है वो काफ़ी अच्छा फल है और अंगूर हमारे देश में दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रदेशों में डिवाइड कर सकते हैं, एक दक्षिण भारत, एक उत्तर भारत। दक्षिण भारत के लिए भिन्न किस्में हैं, यानी अलग किस्में हैं, और उत्तर भारत के लिए अलग किस्में हैं। दक्षिण भारत की किस्में जो हैं वो उत्तर भारत में मीठी नहीं हो पाती और पक नहीं पाती, इसलिए उत्तर भारत की हम बात करेंगे। क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ, मेरा फार्म है, हम ट्रायल ले रहे हैं और सक्सेसफुली हमने अंगूर उगाए हैं। डिस्ट्रिक्ट है पलवल, स्टेट हरियाणा और मेरा नाम है पवन सैनी। तो मैं पिछले 10 सालों से अंगूर पर ट्रायल ले रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन मैंने अंगूर का लिया है। तो हम अंगूर की जलवायु पे बात करेंगे। तो अंगूर की जलवायु कैसी होनी चाहिए? अंगूर की जलवायु शुष्क जलवायु होनी चाहिए। नम जलवायु और बारिश इसके लिए बहुत ही खतरनाक है। ऐसे प्रदेश या ऐसे स्थान जहाँ पर अंगूर पकते समय और अंगूर की छाटनी के समय बारिश होती हो, वो भूमि या वो स्थान अंगूर की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। भूमि की बात करेंगे तो भूमि कंकरीली, दोमट, बलुई, चिकनी, पथरीली सभी में काफ़ी अच्छा उग जाता है। फिर भी बलुई दोमट मिट्टी अंगूर की खेती लिए काफ़ी अच्छी मानी गई है। पानी कैसा होना चाहिए? पानी जो है वो मीठा पानी होना चाहिए। 5.5 से लेकर 7.5 तक पानी का पीएच है, वो काफ़ी अच्छा रहता है अंगूर की खेती के लिए। फिर भी अगर कहीं पर पीएच थोड़ा कम, 5.5 से कम या फिर 7.5 से ज़्यादा है, तो उधर डॉगरेज नामक रूट स्टॉक का उपयोग, मूल ग्रंथ का उपयोग करते हुए अंगूर की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। जैसा कि आप महाराष्ट्र में देखते हैं, मूल ग्रंथ पर लगाए गए अंगूर के पौधे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं, जबकि उत्तर भारत में डायरेक्ट कटिंग किया हुआ पौधा प्रचलित में है। प्रोडक्शन या फिर क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता है रूट स्टॉक और कटिंग के पौधों में। तो इसलिए अगर आप उत्तर भारत में उगा रहे हैं तो कटिंग के पौधे इस्तेमाल करें। फिर भी अगर किसी की मिट्टी में नमक या फिर लवणता है तो आप रूट स्टॉक का प्रयोग कर सकते हैं। डॉगरेज पर ग्राफ्टेड जो भी वैरायटी आप उगाना चाहते हैं उन्हें उगा सकते हैं। अंगूर को लगाने का समय क्या है? अंगूर को साल में 2 टाइम लगाया जा सकता है उत्तर भारत में। एक है जनवरी से फरवरी, जब पौधा डोरमेंसी स्टेज में रहता है और फुटाव नहीं आता है, तब हम बिना मिट्टी, बिना गाछी के हम पौधे को 15 दिन तक कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ले जा सकते हैं अपने साथ में और लगा सकते हैं। पौधा मरता नहीं है और हम उसे ज़मीन में लगा सकते हैं, सबसे अच्छा समय। फिर भी अगर आपने पौधे या थैलियों में, बैग में, पॉली बैग में लगे हुए हैं, तो जून, जुलाई और अगस्त में हम अंगूर के पौधे लगा सकते हैं, तब भी हमको काफ़ी अच्छी संभावनाएँ मिलती हैं। कैनोपी मैनेजमेंट, अंगूर में कैनोपी मैनेजमेंट का बहुत ही बड़ा स्थान है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अगर आपने अपने पौधे को कैनोपी जो है वो बहुत अच्छी बनाई है, जिस प्रकार से बनानी चाहिए, हम कैनोपी मैनेजमेंट पे आपको वीडियो बनाकर बताए हैं, आप कैनोपी मैनेजमेंट की वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर, और हम लिंक शेयर कर देंगे। कैनोपी मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अंगूर जो है वो बेतों पर लगता है
और बेत बनाने के लिए कैनोपी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अंगूर की किस्में जैसा कि हम आपको पहले भी बताते हैं, उत्तर भारत में अंगूर की किस्में जो हैं वो अलग हैं और दक्षिण भारत में अलग हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये परलेट वैरायटी है, कैलिफोर्निया परलेट। हम आपको सभी वैरायटी जो हमने उगाई हुई हैं उनको दिखाएंगे ज़रूर, पर अभी हम आपको और जानकारी देते हैं। तो जो वैरायटियां उत्तर भारत में उगने योग्य हैं उन्हीं को उगाएं, दूसरी वैरायटियां महाराष्ट्र की वैरायटियां ना उगाएं, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप मीठी नहीं कर पाएंगे अपने अंगूर की किस्मों को, और ना ही वो हो पाएंगी, ना हार्वेस्टिंग हो पाएंगी। इसलिए आप उन वैरायटियों को चुनें जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी समय से इन पर ट्रायल दे रहा हूँ। उपयोग है या शस्य क्रियाओं का क्या उपयोग है, अब क्यों ज़रूरी है? अंगूर जो है उसमें GA3 हारमोन्स का उपयोग करना, थिनिंग करना गुच्छों में, ये सब हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते आए हैं। फिर भी अंगूर में GA3 का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है, ये हम आपको बता रहे हैं, जिससे कि हम सीडलेस वैरायटियों का साइज बढ़ा सकते हैं और सीड को काफ़ी हल्का कर सकते हैं। इसलिए GA3 हारमोन्स का उपयोग करना है। कैसे उपयोग करना है ये हम आपको बता दिए हैं, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर देंगे। थिनिंग कैसे करते हैं अंगूर में, इस पर वीडियो बना चुके हैं, वो भी हम आपको शेयर कर देंगे, वो आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा। अंगूर की कटाई, अंगूर पकना ऊपर से स्टार्ट होता है, जब अंगूर का निचला दाना पक जाता है तब हम अंगूर की कटाई करते हैं। और 16 डिग्री ब्रिक्स या TSS, जब 16 डिग्री TSS होता है तो उससे ऊपर अंगूर की कटाई करते हैं, जो मार्केट में बेचने और खाने के योग्य काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसलिए अंगूर की कटाई 16 डिग्री ब्रिक्स या TSS। अंगूर में खाद और पोषक तत्वों का क्या महत्व है? अंगूर में फास्फोरस जब लगाते वक्त या फिर शस्य क्रिया दिसंबर जनवरी में आप अंगूर में पौधे की एज के अनुसार उसमें फास्फोरस का उपयोग करें, और देसी खाद वर्मी कंपोस्ट फार्म यार्ड मैन्योर FYM का प्रयोग करें, जिससे कि आपके जो पौधे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और अंगूर में मीठापन लाने के लिए पोटास का उपयोग अति आवश्यक है, जो अंगूर पकने से लगभग एक महीने पहले आप ड्रिप के माध्यम से या फिर स्प्रे के माध्यम से अंगूर पर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि अंगूर में मीठापन अच्छा आता है। रोग और प्रबंधन, अंगूर में जो कुछ मुख्य रोग हैं उनको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं और कौन कौन से रोग हैं? तो अंगूर में जो रोग हैं, एक तो अंगूर के पत्तों पे छोटे छोटे चिड़ियों के आँख के आकार के धब्बे आ जाते हैं, एंथ्राक्नोज नाम की बीमारी है, पत्ते सूखने लगते हैं। उस रोग को रोकने के लिए आप कार्बेंडाजिम या कोई भी फंगिसाइड का समय पर प्रयोग करें। उसके बाद एक रोग है टहनी मार रोग, अंगूर की जो टहनियाँ अधिक बारिश होने। अब हम बात करेंगे अंगूर में कीट प्रबंधन की। जैसा कि हमारी बेल आप देख रहे हैं, अंगूर में कुछ बीमारियां भी आती हैं उत्तर भारत में, और उनका निपटारण कैसे करें? तो अंगूर जब हमारा छोटा होता है तो थ्रिप्स नाम का कीड़ा सबसे ज़्यादा अटैक करता है, जैसा कि आप लोगों ने हमारे जो दर्शक हैं वो देखते आ रहे होंगे कि हम थ्रिप्स का प्रकोप के बारे में अंगूर में चर्चा किए थे। तो थ्रिप्स अंगूर के ऊपर एक आकृति बना देता है जंगनुमा, जिससे अंगूर का गुच्छा काफ़ी भद्दा दिखने में हो जाता है, मार्केट वैल्यू घट जाती है। तो थ्रिप्स को रोकने के लिए आप सिस्टेमिक दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं, इमिडाक्लोरोपीड का उपयोग कर सकते हैं, प्रोफोनिल का उपयोग कर सकते हैं कंट्रोल फॉर्म में, और जिससे आप थ्रिप्स को रोक सकते हैं। और उसके बाद हमारे अंगूर की बेल में मिलीबग का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखा गया उत्तर भारत में। मिलीबग एक सफ़ेद कीड़ा है जो पौधे पर नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, और अंगूर में पकने के टाइम अंगूर के गुच्छों में काफ़ी ज़्यादा समूह के तौर पे इकट्ठा हो जाता है, चिपचिपापन पैदा करता है, जिससे अंगूर की क्वालिटी और गुणवत्ता घट जाती है, मार्केट में उसके प्राइस अच्छे नहीं मिल पाते हैं। उसे रोकने के लिए आप अपने अंगूर के पौधे पर कुछ इस प्रकार से, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, टेप स्टिकी टेप का उपयोग करें, पौधों पर चिपका दें, ताकि जो भ्रूण है या कीट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ ना चढ़ पाएँ, चिपक जाएँ पौधे पोलोथीन पर, और वो हमारे अंगूर के गुच्छों को प्रभावित ना करें। फिर उसके बाद एक कीड़ा है जो हमारे पौधे पर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, वो है टहनी सुरंग कीट, यानी टहनी के अंदर वो बीटल्स है, वो टहनी के अंदर घुस जाता है और टहनियों को मार देता है। उसके लिए आप पौधे की अच्छे से काट छाट करें, ताकि वो कीड़े का प्रकोप ना हो। अब हम बात करेंगे या फिर आपको अब अपने फार्म की वैरायटियां दिखाएंगे जो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं लगभग एक हफ्ते या 10 दिन में।
हमारा फार्म कहाँ पर है? हमारा फार्म पलवल डिस्ट्रिक्ट गंगालाल सैनी कृषि फार्म पलवल और स्टेट हरियाणा में उपस्थित है। आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9813131604 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको अपने अंगूर की सभी वैरायटियों को दिखाता हूँ। मैं संपूर्ण जानकारी अंगूर की वैरायटियों पे नहीं दूंगा क्योंकि उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, उनका क्या यूज़ है, क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो आप फिलहाल देखिए कि अभी जो वैरायटियां हैं, मैं सभी वैरायटियों का एक बार रिव्यू आपको दिखा देता हूँ। हम स्टार्टिंग से आपको दिखाते आए हैं, ये देखिए ये वैरायटी परलेट वैरायटी और लगभग 5 दिन में ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। आप साइज देख सकते हैं, साइज जो है वो काफ़ी अच्छा साइज हो चुका है, लगभग 16। कलर जो है वो येलोविश ग्रीन के कलर है और इसका TSS लगभग 17 डिग्री से 18 डिग्री ब्रिक्स के करीब है। और ये जो क्वालिटी है ये यूरोपियन कंट्रियों में एक्सपोर्ट क्वालिटी हमने तैयार की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और किसी को अगर हमारे फार्म पर विजिट करना हो, आना हो, तो अगले हफ्ते तक आप आ सकते हैं। 25 से 30 तारीख जो मई की है उस तक आ सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए हमने कितने सारे जो गुच्छे हैं वो सब कवर किए हुए हैं, बस इसी कारण से कवर किए हुए हैं कि हम उस क्वालिटी को बना कर रखें जो हमको क्वालिटी बनानी है, और महाराष्ट्र के कंपैरिजन की क्वालिटियां जो हैं अंगूर की वो हमको तैयार करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वैरायटियां जो हैं पूरी अच्छी हैं, ये हमने बैग निकाल दिए हैं आपको दिखाने के लिए। चलो मैं आपको दूसरी वैरायटी दिखाऊँ, पूसा नवरंग वैरायटी है और आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा रेड कलर और डार्क रेड कलर के करीब हमारे गुच्छे दाने हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये गुच्छा पकने में अभी इसको 15 दिन के करीब हैं और ये वाइन मेकिंग, जूस मेकिंग और ताज़ा खाने के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसका जो पल्प है वो रेड कलर का है जो कि अपने आप में एक खास वैरायटी बनाता है। TSS इसका 22 के करीब है और आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बाद में शॉर्ट वीडियो या फिर आपको छोटी वीडियो बनाकर ज़रूर शेयर करूँगा, इनकी गुणवत्ताएँ, इनका उपयोग कैसे करते हैं। ये वैरायटी जैसा कि आप देख रहे हैं हमने कवर की हुई है, सभी कवर की हुई है। ये वैरायटी है मांजरी मेडिका और इसका बंच हम आपको दिखा रहे हैं, कितना बेहतरीन बंच है। अभी इसको पकने में लगभग 10 दिन शेष हैं और कितना खूबसूरत बंच है। ये वैरायटी भी जूस मेकिंग और वाइन मेकिंग की वैरायटी है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण है जो कि कैंसर कारक जो है उन कैंसर से लड़ने के लिए और काफ़ी बीमारियों से लड़ने के लिए इसमें क्षमता है। ये वैरायटी का नाम इसीलिए मेडिका रखा गया है, मेडिसिनल गुणों से भरपूर। ये वैरायटी है पूसा पर्पल सीडलेस। मैं आपको ये बता दूं कि सीडलेस इसका नाम गलत रखा गया है, ये सीडेड वैरायटी है और जूस मेकिंग वैरायटी है। कलर काफ़ी अच्छा है, इसको भी 10 दिन है पकने में और काफ़ी अच्छी और कलर दानों का जो है काफ़ी अच्छा कलर है, उगाने के लिए काफ़ी अच्छी है, टेस्ट लाजवाब टेस्ट है इसका। नवीन है और इसका साइज है 18 mm से ऊपर निकल चुका है और काफ़ी अच्छी वैरायटी, ओवल शेप जैसे अंडा होता है बिल्कुल सेम उसी प्रकार की, और गुच्छों में लगती है ये वैरायटी, मतलब दो गुच्छे के करीब एक साथ लगते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक गुच्छे का वजन लगभग 600 से 700 ग्राम है, पूरी बेल पे लगभग 14 के 15 गुच्छे हैं, काफ़ी सभी इसी प्रकार के गुच्छे हैं और काफ़ी अच्छे। ये है मांजरी किशमिश वैरायटी और आप इसे नेट पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि मांजरी ने जो अंगूर अनुसंधान केंद्र है उन्होंने इस पे वीडियो डाली हुई है, आप उधर भी देख सकते हैं और आप हमारे द्वारा उगाई हुई इस वैरायटी को देख सकते हैं। ये वैरायटी बहुत ही खास वैरायटी है, ये किशमिश बनाने के लिए अति उत्तम है और इसमें TSS मेरे फार्म पर सबसे ज़्यादा लगभग 24 डिग्री ब्रिक्स देखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैरायटी है कितनी अच्छी और बेहतरीन वैरायटी है। साइज़ थोड़ा कम है, लगभग 14 mm के करीब, परंतु बहुत ही मीठा अंगूर ये साबित हुआ है हमारे फार्म पर। ये वैरायटी ब्लैक सीडलेस, काफ़ी अच्छी और टेस्टी वैरायटी ये भी, और ये इसका जो अंगूर है हम आपको दिखाते हैं कि कितना बेहतरीन है। और अभी कलर चेंज होने लगा, ब्लैक ग्रीन से ब्लैक होने लगा, क्योंकि जब कच्चा होता है तो सभी ग्रीन होते हैं और बाद में वो ब्लैक होने लगते हैं। तो आप इसका साइज़ देख सकते हैं, लगभग 16 mm के करीब साइज है और गुच्छा लगभग आधी किलो से ऊपर का है। अभी आप देख रहे हैं कि कितना बेहतरीन कलर इसमें आ रहा है और कितनी अच्छी इसकी क्वालिटी है। ये वैरायटी थॉमसन सीडलेस है, इस पर भी हम आपको जानकारी दे चुके हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, थोड़ी लेट वैरायटी है और
पैदावार थोड़ी कम है। और इसका जो अभी फिलहाल अपडेट है गुच्छे का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए लगभग 200 ग्राम का ये गुच्छा है, इसमें आधी किलो से भी ज़्यादा बड़े गुच्छे हैं, परंतु ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गुच्छा 15 से 16 mm के करीब इसका दाना है। अभी ये दाना काफ़ी बड़ा होगा और काफ़ी अच्छा साइज ले पाएगा। ये वैरायटी पूसा त्रिशार है और काफ़ी अच्छी और टेस्टी वैरायटी है, ताज़ा खाने के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है। साइज अभी आप देख रहे हैं लगभग 14 mm के करीब है और ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में हार्वेस्टिंग के लिए आएगी। काफ़ी ज़्यादा जूसी वैरायटी है। दोस्तों ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी संपूर्ण जानकारी थी और डिटेल से हर वैरायटी की एक वीडियो, उसका क्या उपयोग है, उसकी क्या कमियां है, वो हम आपको बनाकर जरूर दिखाएंगे लगभग एक हफ्ते बाद जब ये हार्वेस्टिंग जैसे जैसे आएंगी वैरायटियां, और उनका क्या उपयोग है, उनसे हम क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, क्या उत्पादन तैयार कर सकते हैं, वो हम आपको पूरी जानकारी हर वैरायटी की देंगे। अलग अलग हर वैरायटी पे एक वीडियो आएगी, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, और हमें सहयोग दें। धन्यवाद दोस्तों।